करिए काउच में शुभांकर। तो आज हमने स्टूडियो में और कोई नहीं, खुद शुभांकर जी को ही वेलकम किया। और शुभांकर जी, आपके अपने शो करिए काउच पे शुभांकर में बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिमुल। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जनरली आप कैमरे के पीछे रहती हैं और अचानक आज आपने जो है हमें साथ में कैमरे के सामने ज्वाइन किया। बिल्कुल सही बात, अलग अलग हम लोग आते हैं, आप हमें ओपनिंग शो के ओपनिंग में देखते हैं, शिमुल को शो की क्लोजिंग में देखते हैं, या तो कुछ एपिसोड्स ये अकेले खुद करती हैं, लेकिन आज हमने तय किया कि आज हम लोग ये शो एक साथ करेंगे। बिल्कुल, और इसको एक साथ करने के लिए भी हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को चुना है आज, जो कि है स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। तो जी हाँ, 10th और 12th का बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर भी अभी बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, तो बच्चे उसमें भी फ्री हो जाएंगे। तो जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो अपने हिसाब से एक इंटरेस्टिंग फर्दर स्टडीज के लिए चूज करते हैं, जो कि है स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, जिसके लिए वो लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज चूज करते हैं फर्दर एडुकेशन के लिए। मैं आपको बता देती हूँ, शुभांकर जी जो है स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम यानी कि स्टूडेंट इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और करीबन उन्होंने 13 देशों में काम किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। तो आई थिंक आपसे ज़्यादा इस बारे में हमें कोई गाइड नहीं कर सकता है कि कैसे स्टूडेंट्स एक कंट्री को चूज करते हैं, क्योंकि शुभांकर जी, जैसे कि मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ तो मुझे कुछ कुछ जो फिक्स कंट्रीज है, जैसे कि यूरोप फेमस है, यूएस है, कनाडा है, और कोई कोई बच्चे ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंट्रीज के विषय में आपसे बातचीत करना शुरू करना चाहते हैं कि कैसे एक बच्चा, सबसे पहले तो हाँ बिल्कुल अपने माइंड मेकअप स्टूडेंट्स खुद करते डिपेंडिंग ऑन देयर बजट कि उनको बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो उसके बाद वो लोग कंट्रीज को कैसे चूज करें। शिमुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एजुकेशन के कार्यक्रम को लेकर जब बात करते हैं तो ऐसे कई सवालात आते हैं, जो बच्चे विदेशी शिक्षा में यानी विदेश जाके शिक्षा प्राप्त करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उसके लिए इच्छुक होते हैं। अब शिमुल, जैसे आपने अभी दर्शकों को बताया, जी हाँ, मैं IIC के साथ जुड़ा रहा और कई देशों में मैंने काम किया, तकरीबन मैं 13 देशों में मैं गया, मैंने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के जो शिक्षा प्रणाली है उसको मैंने थोड़ा गहन अध्ययन किया, जब तो एक बात मुझे समझ में आई, ये जो कंट्री चूज करने की जब बात आती है, ये फिनोमिना एक्चुअली आया कहां से जी? अपने देश में किस बात की कमी है जी? बाहर क्यों जाना है? बिल्कुल, तो चीज है अपॉर्चुनिटीज। जब हम इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि लोग देखते हैं भाई हमारा जो स्टाइल ऑफ लिविंग कैसा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, फिर हमें अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल पा रही हैं, हमारा जो पे स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, और सबसे अहम बात वो है एक्सचेंज रेट। दोस्तों, सबसे जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर हुआ वो ये था, जैसे जैसे US डॉलर ये बढ़ता चला गया, इंडियन करेंसी के मुकाबले में मजबूत होता चला गया, तो US जो है उसका रुझान जो है उतना ही ज्यादा भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये बढ़ता चला गया, क्योंकि उनको ये लगता है कि वहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर हम 10,000 डॉलर कमाते हैं, 10,000 रुपए कमा, वहां 10,000 डॉलर कमाएंगे तो बहुत बड़ा एक अंतर है जी। तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ रहा है, हम उस दशक से बात कर रहे हैं जब 40 रुपीज हुआ करता था जी, तो वहां से आपने देखा ट्रेंड बढ़ना शुरू हुआ और आज लोगों को यही दिखता है। लेकिन एक बात बताऊं, एक चीज हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, एक्सचेंज रेट में हमने ये तो देख लिया 80 रुपए डॉलर, 10,000 कमाएंगे 8,00,000 रुपए हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो उसी मुकाबले बढ़ रही है, उसका जो दबाव होता है इसको हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। आप कनाडा चले जाइए, आप US चले जाइए, आप UK चले जाइए, जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ता है आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स पर वो फर्क डालता है। तो वहां जो भारतीय स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, समूह में रहते हैं, एक साथ एक हॉस्टल कर लिया, वो डुअल शेयरिंग में भी नहीं रहते, वो कोशिश करते हैं कि एक कमरे में अगर हो सके तो 6-7 बच्चे भर गए उसमें। तो इस पहले तो उस विडंबना से निकलिए, वो जो एक गलत आपने एक मानसिकता बना रखी उससे हमें निकलना चाहिए। मेरे हिसाब से जब आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप ठीक है आप बाहर निकलना चाहते हैं, ग्लोबलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप विदेशी शिक्षा देखना चाहते हैं, आप विदेशी वातावरण देखना चाहते हैं, बाहर कैसे होता है, वैश्वीकरण अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है।
और इसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज ये प्रोग्राम नहीं, एक कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को धीमे धीमे लोग अडेप्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टेप यहां से सीख करना शुरू करना पड़ेगा कि क्यों यूएस, क्यों सिंगापुर, क्यों नहीं। बिल्कुल। या मैं कहूं, जब हम बाहरी अगर हम शिक्षा के देख रहे हैं, कुछ आपने देखा कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो चाइना से भी मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे आए। यूक्रेन बहुत भरा था, जब तक ये वॉर वाला सिनेरियो नहीं आया, तो यूक्रेन वाज वन कंट्री व्हिच वाज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बेसिकली द मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल। बेलारूस नेक्स्ट इन द लाइन, और अब यूक्रेन के ब्लॉक होने पर बेलारूस की तरफ ज्यादा लोग बढ़े। एंड इफ यू रिमेंबर, हमारे पास बच्चे आए हुए थे जो बेलारूस जो बेलारूस में पढ़ रहे थे। बिल्कुल सही बात है, उसका भी हम लोगों ने एक एपिसोड किया था। एग्जैक्टली। लेकिन शिमुल, मैं एक बात जानू, आप भी इतने सारे यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, आपने इतने सारे कॉलेजेस में आपने विजिट किया, किसी बच्चे को आपने 9th 10th के बच्चे को, 11th 12th के बच्चे को, क्या वाकई आपने स्टडी अब्रॉड के बारे में बहुत ज्यादा पूछते सुना? बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी पूछते हुए, क्योंकि जो बच्चे जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट शो करते हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए ही करते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के पास। जी, तो आपने एक बात, ये बात मैंने इसलिए पूछी क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि बच्चे जो है ना वो देख के सीखते हैं, नकल करते हैं। जी, अपने घर से कोई परिवार से, घर परिवार से कोई बाहर गया हुआ होता है, उसके विषय में चर्चाएं घर में होनी शुरू हो जाती हैं। अरे वो बच्चा तो अमेरिका गया हुआ है, कनाडा गया हुआ है। लेकिन अब वो एसेंस नहीं रह गया, हर आदमी आजकल जा रहा है। हाँ जी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट्स के लिए इतने ज्यादा नहीं है जितना कि ग्रेजुएट्स के लिए, सबसे ज्यादा एमबीए के लिए बच्चे। एग्जैक्टली, मैं कहूंगा अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी है, एक बार आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं उसके बाद आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, बाहर की तरफ आप बहुत आसानी से जाके कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एशियन कंट्रीज में भी आपका रुझान गलत नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे कि अभी हाल ही में प्राइम टीवी की पूरी टीम जो है, आपको पता है, थाईलैंड गई हुई थी। जी। और हम लोगों ने थाईलैंड में जाके जो है वहाँ के जो शिक्षा प्रणाली है, वहाँ का जो सिस्टम है, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने देखने की कोशिश की। और शिमुल, बाकी आपने पूरा देखा होगा जब टीम लौट के आई, तो जिस प्रकार का आपने देखा कि सब में जो एक्साइटमेंट जो था, हाँ, वो उत्तेजना जो थी, वो अलग ही लेवल की जी थी। हाँ बिल्कुल, मैंने वीडियोस और सारी चीज देखा, तो आई थिंक, तो हाँ बिल्कुल, मैंने सारे लोगों से जैसे कि बात किया, और मैंने आपसे भी बात किया, और मैंने वीडियोस देखा, तो मुझे भी समझ में आया कि एडुकेशन इंडिया में, जी हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत प्राउड है कि हमारे यहाँ पे एडुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तब हमें समझ में आया कि क्यों स्टूडेंट्स, जो आज के जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कुछ नए चीज़, नए टेक्नोलॉजी सीखने के लिए ही बाहर जाते हैं। तो आई थिंक इसमें कोई बुराई तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग को इन्विटेशन मिला हुआ था, जी हाँ, प्राइम टीवी की टीम जो है गई हुई थी, करियर काउच के टीम के साथ बैंकॉक गए हुए थे, थाईलैंड में एक यूनिवर्सिटी है, आई थिंक आप वहाँ, आपने वहाँ विजिट किया, आपने वहाँ पे स्टूडेंट्स से मिले, एंड इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स से भी आप लोग मिले, हमने भी वीडियोस देखा, तो क्यों ना आप खुद ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जी शिमुल, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं इससे पहले भी कई बार थाईलैंड में जाता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी जो कल्चरल रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। जी। और अगर देखें, बुद्धिस्ट हैं, गौतम बुद्ध हमारी देश से वहाँ गए हुए थे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब रिलीजन आपके देश से कहीं बाहर जब फैलता है, तो उसका एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि लोग उससे आपको आइडेंटिफाई करते हैं। सो वी आर जनरली कॉल्ड द मैन फ्रॉम द बुद्धाज नेटिव प्लेस, राइट, वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। सो वो एक इम्पैक्ट एक अच्छा रहता है। और हम वहाँ पे गए, और जैसे आपने यूनिवर्सिटी की बात की, हमें एजम्पशन यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, वहाँ पे उनके डायरेक्टर थे मिस्टर रूसो। Yes. उन्होंने हमें पूरा यूनिवर्सिटी दिखाया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, थोड़ी देर में आप उनसे हमारी जो बातचीत है वो हम अभी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब आप यूनिवर्सिटी चूज करें या देश चूज करें, एक बात मैंने अभी जैसे बताया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत मायने रखती है। तो जब हम एक्सचेंज रेट को देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि अच्छा थाई बाट जो है वो यहाँ का 2.5 रुपया है। Yes. अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखिए, थाईलैंड जो है आपके यूपी का 1/4 हिस्सा होगा। जी हाँ ठीक जी।
उसके बावजूद मुझे याद है जब मैं 90 के दशक में वहां जाता था तो हम यहाँ का 1 रुपए लेके जाते थे, वहां 1 बाट 80 सटांग, वहां का जो पैसा होता है उसको सटांग कहते हैं, सो 1 बाट 80 सटांग मिलता था, यानी 1.8 वहां के करेंसी वैल्यू के हिसाब से। आज के दिन में वहां का 1 बाट आप लाते हैं, आपको यहाँ 2.5 रुपए मिलते हैं। तो यानी उनका जो करेंसी वैल्यू है हमारे देश के करेंसी वैल्यू के अगेंस्ट में राइज किया है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाती है। आप अगर बैंकॉक जाएं तो आप उसको अगर थोड़े से डीपली देखें तो आप बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे न्यूयॉर्क से या हांगकांग से या सिंगापुर से, बहुत ज्यादा आप फर्क नहीं कर पाएंगे। डेवलपमेंट वहां बहुत तेजी से हुई, इसका बहुत बड़ा कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वहां जो मेजर इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ कर पाई वो उनमें से एक सबसे विशेष था टूरिज्म, और टूरिज्म की वजह से फॉरेन एक्सचेंज बहुत उनके पास आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा है, एफडीआई को उन्होंने इतनी जल्दी अट्रैक्ट किया। उनके पिछले राजा अब नहीं रहे, लेकिन कहते हैं कि जिस समय आदुल्या देश भूमि बोल जो उनके अभी पिछले राजा जो थे वो बहुत वाइड माइंडेड थे, बहुत ग्लोबलाइजेशन को अपने देश में इंट्रोड्यूस करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, विचारधारा उनकी ऐसी थी कि वो उन्होंने डेवलपमेंट को वहाँ पे बहुत सराहा। एजम्पशन यूनिवर्सिटी में जब हम गए ना तो इस बात को देखने को मिला कि कैसे ब्रिटिश कल्चर या ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम और थाई एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत खूबसूरत सा मिश्रण वो सामने आया है। इस वजह से थाईलैंड को तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे जो नेबरिंग एशियन कंट्रीज है वहाँ के काफ़ी बच्चे वहाँ पे गए, और बेनिफिट आपको पता है सबसे बड़ा ये है कि वहाँ उन्होंने कई ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स के कई कॉलेजेस के साथ, यूके के कई कॉलेजेस के साथ, विदेशी कई कॉलेज के साथ उनके टाइप्स हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉपर्स हैं। वहाँ पे आपको कोर्स उनके साथ मतलब एवरेज कोर्स करने का एक मौका मिल रहा है। एंड आई थिंक कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, इट इज ज्यादा नहीं है, रन बाय कैथोलिक मैनेजमेंट, जितना कि आपसे exactly, बिल्कुल सही। तो थाई लैंग्वेज में मान सकता हूँ थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इंग्लिश बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, क्योंकि उस कैंपस के अंदर अगर देखें तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं। बाकी यहाँ से एशिया से जो जा रहे हैं, मैंने आपको बताया बांग्लादेशी और काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स खुद से सर्च करके पहुँच रहे हैं। यस, देयर आर मोर देन 100 स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली, सोचिए 12-15 हज़ार में अगर वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग आप अफोर्ड कर पाते हैं, आराम से अफोर्ड कर पाता है, कोई भी बच्चा कर लेगा। और उसके अलावा जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका इंडियन फीस स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, यानी उतने ही इन्वेस्टमेंट में आपका बच्चा एक ग्लोबल एजुकेशन को पा पा रहा है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से हम लोग ज्यादा ना बात करके आइए चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजम्पशन और बात करते हैं डायरेक्टर रुशो के साथ। सो व्हाट टू यू मिस्टर रुशो? ओके, सो हियर वी आर एट एजम्पशन यूनिवर्सिटी बैंकॉक एंड आई एम लिटरली फ्लैबरगास्टेड। आई विजिटेड द यूनिवर्सिटी, इट्स अ ह्यूज कैंपस आउट हियर, एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, द वे वी अंडरस्टैंड अबाउट द थाई एजुकेशन सिस्टम, इट इज much more ahead of it. So here we have with me is Mr. Rusho, and he's from Thailand. He's working as a director for study abroad programs as well as for admissions from abroad, and he's the guy who has actually taken us across the entire campus. It has been all day long since we are taking this tour, and let me tell you, we have got some fantastic facilities over here within the university campus. It is literally huge. So, Mr. Rusho, I welcome you on Career Couch with Shubhankar. We have this program in India. So there are a lot of Indian guys over there. You can say hi to the students. Hello, how are you? So, Rusho, just tell me something bit about this university. How old is this university? Okay, this is the 53 years old, that university. 53 years 53 old? Years, oh, yes. Oh, that's a long time. We are the first international university in Thailand. So we have more than 3,000 international students, 98 countries. It's a huge. Okay. Right. So the thing is, you are getting students from 98 countries, you said that, exactly. Right? Right. So how come people knowing so much about this university all across? You have got Thai students over here. You have got students from abroad coming over here. Exactly. We work for our representative. Okay, they help us a lot. And also, like Korea, we don't need the representative. We are just friends. My friends, mouth to mouth, they just come in here. Okay, right. So it's very popular, the university, yes. Mr. Rusho,
what I'd like to understand more about it is that the administration system over here, is it taken care by the Thai or is it an English university? Yeah, it is an English, okay, completely English instruction, this university. Okay, so we have no problem with the Thai or foreigner, any okay. non-Thai student. Okay, and it is managed by, you said, the Catholic diocese? Yes. Okay, so it is a Catholic diocese university, so totally managed and governed by Catholics over there. And it is an international English standard university. And trust me, they have got educationals, co-programs running with number of high-ranking universities across the world. So you have got double degree programs across the world. Can you tell me something about it? Okay, basically we're offering the double degree program. It's called the 2+2 and 3+3, one option. Either option you can choose. So both of program, you can at the end, you'll be able to get the 2 degrees from both home university and the host universities. So it is very, very, and because our programs is transferred anywhere in the world. So that is very, very nice, and study abroad program is very good for our students as well, because they can get the both degrees from both places. Okay. Mr. Rushabh, can we have your mask off so that the students in India can see your handsome face? This is the handsome man across. Thank you. Rushabh, so what do you say about the Indian students coming over here? Is it friendly? Is it India friendly? Yeah, they are very friendly, and our Thai people also very friendly. Okay, so we have no problem for any country, we are any nationality. Okay, we are used to. So Indian students are well accepted. Yes, and how many yes. Indian students over here? Right now we have almost, I can tell approximately 110. Okay, 110 Indian students studying already over here. So yes, Indians do listen to this fact. It's not new to Indians at all. You can always opt for this university, Assumption University, over in Thailand. But yes, it is India friendly. Thank you, Rushabh. Thank you. And it was wonderful. वाह शुभांकर जी, आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है यहाँ पे जाके. एंड इफ आई हैव लुक्ड इनटू देयर हॉस्टल रूम्स, फैंटास्टिक ना, और बहुत खूबसूरत. बाकी मतलब आप देखें तो पूरा 5-star बिल्कुल एकदम उसमें फैसिलिटीज हैं बिल्कुल. एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि वहां पे थाई लैंग्वेज, जी हां बिल्कुल थाई लैंग्वेज है, लेकिन थाई लैंग्वेज के साथ साथ कंप्लीट वहां के जितने भी फैकल्टीज है वो इंग्लिश स्पीकिंग है. एंड आपको बहुत सारे इंडियन और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, तो आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. एंड मैं आपको बता देती हूँ वहाँ की जो स्विमिंग पूल से लेके, जो स्पोर्ट्स से लेके, और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे उन लोगों ने जिस तरीके से ध्यान दिया है, आई थिंक आपने खुद ही देख लिया है. और शुभांग जी, आप बताइए बाकी. शिमल, बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल वहां पे आश्चर्यचकित था, क्योंकि क्या होता है कि परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है. लोग जैसे करके बोलते हैं, अरे थाईलैंड जा रहे हैं, और कई गलत कारणों से एक देश का जो है, हम लोग ने एक गलत चित्र बना रखा है. लेकिन जब आप कहीं पे रुकें, कहीं पे आप गौर से अगर देखें, तब पता चलता है कि अरे उस देश में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इतनी तेजी से जो विकास हो रहा है, उसके पीछे शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है. और वो भी जो है वैश्वीकरण की जब बात करते हैं, जब वैश्विक शिक्षा की बात करते हैं, उसका रोल बहुत बड़ा रहता है. और बाकी फैसिलिटीज, स्टूडेंट्स जितने डिसिप्लिन तरीके से वहां पे मिले, जिस तरीके से बात किया, एंड जिस तरीके से वहां पे क्लासरूम से लेके लेक्चरर हॉल से लेके, एंड स्पेशली आप विश्वास नहीं मानेंगे, वहां पे पूरा के पूरा जो कैंपस है वो 200+ acres में वो बना हुआ है. एंड एक एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया है वो ब्यूटिफुली, वो स्ट्रक्चरली बहुत ही साउंड है. तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि थाईलैंड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो आई थिंक सबसे ज़्यादा एक देश को जाने के लिए, वाई डोंट यू प्लान फॉर अ विजिट. Assumption University में जो है हम लोग को इन्वाइट किया है कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स लेके बिल्कुल उनके पास जा सकते हैं. तो वहाँ पर रहना खाना वो सारी चीज़ों का वहाँ पर टेक केयर करेंगे. बस आपको यहाँ से प्लानिंग करना है और आपको कॉन्टैक्ट करना है करियर शिमुल. आपने तो इतनी खूबसूरती से बताया कि मुझे लग रहा है आप भी पीछे पीछे कहीं छुपा के गई थी हमारे साथ. तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, बगल का देश है, बहुत खूबसूरत जगह है. And very strange, we are just touching each and everything out. It's a complete awesome feeling over here. And see, that is the starfish,
And there is this instructor telling us wonderfully about the entire thing up over here. We have an artificial ocean coming over there. So yes, it's a wonderful feeling. And what kind of, what fish is this? Yes, you can. It's not dangerous, and it's a weak creature. It's a sensitive creature. You have to touch it. The spike, not their body. Okay. Yeah. You can touch the spike, but not the body. Yes, you can. You will hurt them. Okay. Yeah. Okay, I can hurt them. Yes. Right. They can hurt. They can also hurt. Yeah, they can. Okay, is it like some kind of shock or something they can kill? It's just another species can. Yeah, oh. But this is not real. And this is starfish. Can touch? No, you can't touch. That's real. Wow. It's almost like rock. Okay, yeah. जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टडीज़ में या स्टडी अब्रॉड में इंटरेस्टेड हैं, वो कभी भी हमारे जो दिए गए नंबर हैं, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। और मैं बता दूं, करियर काउच गुरु जो है वो प्रतिबद्ध है आपके पास शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए। वो आपकी वो सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं, आपका जो करियर तक का जो रास्ता है उसको हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। शिमुल, एक बहुत और जरूरी बात है, वो है एडमिशन टाइम। जी हाँ, क्योंकि अब बहुत जगह लेट सेशन हो जा रहा है। ऑलरेडी इस बार के सीबीएसई के रिजल्ट भी लेट डिक्लेयर हुए, आईसीएसई के और बोर्ड्स के एग्जाम बार हुआ, सीयूईटी एग्जाम से एक नया सीजन, जो स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। तो काफी अच्छी बात ये है शिमुल कि इस समय मैं जब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की बात करूँ, ऐसे कई यूनिवर्सिटीज हैं जिसके दो सेशंस में एडमिशंस होते हैं, राइट। एक तो अभी अगस्त तक अभी आपका खत्म हो रहा होगा, अगर सितंबर तक आप ले सकते हैं, उसके बाद ये फिर से नवंबर में भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते जैसे हैं। इंडिया में एक फिक्स टाइम है कि इसी समय एक ही बार साल में हम लोग एडमिशन देते हैं, लेकिन जो भी फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे एन नंबर ऑफ टाइम्स, काफी सारे टाइम्स आपको एडमिशन का मौका मिलता है। जैसे कि मैं अगर अजम्पशन यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जैसे मेरी बात हुई है वहाँ डायरेक्टर से, तो वहाँ पे जून और नवंबर ये दोनों सेशन है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी भी प्लान कर रहे कि अपने ज़िंदगी में कुछ नया चीज़, किस तरीके से वो अपने नेक्स्ट लाइफ को, फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं, तो ज़रूर आपको अजम्पशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाना चाहिए। आपको देखना है कि वहाँ पे किस तरीके से उन्होंने एक एक डिज़ाइन किया है एक एक कोर्स को, कि एक साल या दो साल आप थाईलैंड में पढ़िए, फिर आप बाकी के जो है आपके पसंदीदा जो कंट्रीज़ है वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा हेडेक भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ वो कोलैबोरेशन में जो है उन्होंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। सही बात है, बिल्कुल सही। और शिमुल, सिर्फ बात हम लोग यहाँ पे अभी तक अजम्पशन यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अजम्पशन यूनिवर्सिटी की प्रमोशन की बात करें। बिल्कुल, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हम आपको दिखा सकें। जो एक दिमाग में आता है कि अरे वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, हम बात कैसे करेंगे, वहाँ पे जो इंटरकल्चरल रिलेशनशिप है वो कैसे होकर के होगा, क्या थाईज हमको एक्सेप्ट करेंगे, अडैप्ट करेंगे। तो जो लोग नहीं गए हैं, बिल्कुल बताना जरूरी है कि वहाँ पे बहुत इंडियंस ऑलरेडी मौजूद है, और जिस तरीके से थाई जो टूरिज्म है वो डेवलप किया है वो देख मतलब काबिले तारीफ है। आप लोगों को एक बार जाना चाहिए, और उसको वाकई आप उसको जब करीब से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कोई भी देश जब डेवलप करता है तो वो अपने साथ अपने आप जो वैश्विक आर्थिक जो जो सहायता होती है वो लेता हुआ आता है। थाईलैंड एक इतना सा देश, वहाँ पे आधी प्रोडक्शंस नहीं है, जितने हमारे पास एग्री प्रोडक्शंस है उनको एग्री प्रोडक्शन से वंचित रहना पड़ता है, उसके बावजूद एफडीआई वहाँ पे पहुँचता है। कारण क्या है? क्योंकि टूरिज्म के बढ़ने की वजह से बाहर के बहुत लोग ऑलरेडी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के जो एक्सपैट्स का जो नंबर है वो थाई के नंबर से बहुत ज़्यादा कम नहीं है, और उन एक्सपैट्स की वजह से, उन एक्सपैट्रिएट्स की वजह से वो जो पैसा वहाँ पे आता है उसमें से उनको तरक्की करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। बिल्कुल, और जैसे कि मुझे आपसे पता चला, ये चलता है तो पटाया तो आज के दिन में मुझे लगता है पूरा वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज जो इंडियन ही है वहाँ पे, हर कोई हिंदी बोलता हुआ नजर आएगा, आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। बहरहाल, एक बहुत अहम सवाल है, सवाल ये है कि आप जब बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं तो आपके वो अहम पॉइंट्स क्या होने चाहिए जी, वो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, ये चेकलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये जरूरी है कि हमको समझ में ये समझ होनी चाहिए कि हमारी जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है,
वो डिपेंड करता है जब हम प्रूफ करेंगे कि हमारी अंग्रेजी अच्छी है. सो दैट विल डिपेंड ऑन योर टॉएफल और आईएलटीएस स्कोर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी. क्योंकि आप जब एकेडमिक्स के लिए आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं सो 8 बैंड्स इज द टारगेट. 7.5 बैंड तक एक्सेप्ट किया जा सकता है बट योर टारगेट शुड बी 8 बैंड्स नॉट बिलो दैट. थाईलैंड में अगर आप जाते हैं तो 7 to 7.5 बैंड्स में आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए. कुछ और चीज़ें हैं आपका जो जितने भी आपके जो रिजल्ट्स हैं आपके जो मार्कशीट्स हैं उसका ट्रांसक्रिप्शन आप लेके चलेंगे. वो ट्रांसक्राइब वर्जन आपके पास होना चाहिए. और कुछ बातें जब आप जाते हैं प्रॉपर एक स्टूडेंट वीज़ा के साथ जाते हैं उसकी अपनी कुछ रिक्वायर्मेंट्स होती हैं अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. इसके लिए भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं. हमारे यहाँ पे स्टडी अब्रॉड के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इसके लिए आपको गाइड कर सकते हैं. आप किसी वक्त आप हमसे संपर्क करके इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं. और बात सिर्फ थाईलैंड की नहीं है. हम हर बार कहीं ना कहीं एक नए देश के विषय में बात करेंगे कुछ नए इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे कुछ नए संस्थाओं के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी. क्योंकि हाँ आप जब कहीं पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ पढ़ने नहीं जाते. आप फिर ये भी सोचते हैं कि वहाँ पे क्या हमको नौकरी मिल पाएगी क्या हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगी. ऐसा तो नहीं कि हमको पढ़ के वापस भेज दिया जाएगा फिर हम यहाँ पे आके क्या करेंगे. ये सारी बातें सोचनी बहुत ज़रूरी हैं और ये आपको देखना चाहिए कि उस देश में क्या आपको काम करना अलाउड है. कुछ देशों में स्टूडेंट वीज़ा पर वर्किंग अलाउड है कुछ देशों में ऐसा नहीं है. तो इन सब बातों को प्लीज़ स्टडी ज़रूर करें जब कभी आप विदेशी शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो. और साथ ही ज़रूरत है एक और अहम बात और वो है आपके देश में उस देश का जो डिग्री है उसकी वैल्यू उसकी क्रेडिबिलिटी. इन सब बातों को जब तक आप चेक नहीं करते हैं प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं ये मान के ना चलें कि अगर हम यूएस चले जा रहे हैं यूके चले जा रहे हैं तो जिस भी स्कूल को हम चूज कर लेंगे वो भारत से तो अच्छा ही होगा. जी ऐसा बिल्कुल नहीं है. बच्चे इन चीजों में बहुत धोखा खाते हैं जब बाहर चले जाते हैं बस सिर्फ विदेशी शिक्षा के नाम पर. वहाँ पे भी एक बिजनेस चल रहा है वहाँ पे भी रैकेट्स चल रहे हैं आपको उससे भी बचना है. जी हाँ और मैं इसको एक लाइव एग्जाम्पल के तहत आपको समझाऊंगी स्टूडेंट्स क्योंकि अभी हाल ही में हमसे एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया करियर काउच की टीम से. उस स्टूडेंट ने जो है 12th ही से एक स्कूल से नामी एक स्कूल से पास किया और उसने खुद रिसर्च करके कजाकिस्तान का एक यूनिवर्सिटी उसने चूज किया. और ताजुब की बात है कि इतना रिसर्च वर्क करने के बाद जब उसने वहाँ पर टोकन डिपॉजिट भी किया लेकिन उसके बाद भी उसको उसके बाद पता चला कि कितना हिडन फीस है. तो आई थिंक आपको एक चैनल जो एक्सपर्ट्स है उसके गाइडेंस क्योंकि मैं हमेशा जबकि बोलती हूँ कि प्रॉपर रिसर्च वर्क करिए लेकिन ये एक स्टडी अब्रॉड ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स की सलाह की बहुत ज्यादा जरूरत है. बिल्कुल सही बात है. और कजाकिस्तान का ये जो केस है कजाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जो ताइवान और कजाकिस्तान और ऐसे क्षेत्रों के लिए निकल रहे हैं. प्लीज आप एक बार अच्छे तरीके से अपना होमवर्क करें आप उसकी बैकग्राउंड स्टडी करें आप प्लीज़ देखें कि वहाँ का जो डिग्री है उसकी वैलिडिटी क्या है जहाँ पे आप कोर्स करने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन का अपना रेपुटेशन कैसा है. ये सब चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है. और अंधों की तरह बिल्कुल आंखें मूंद करके किसी भी चीज़ में सिर्फ विदेश जाने के नाम पर कूद पड़ना ये बिल्कुल गलत है. बिल्कुल शुभांकर जी. तो आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है. और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि हम यानी कि करियर काउच की टीम जो है हमेशा आपके लिए वही यूनिवर्सिटी सामने लाएगी विद प्रॉपर रिसर्च वर्क क्योंकि हमारे पीछे जो बैकएंड टीम है जो रिसर्च करता है वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसको देखते हुए ही हम कोई यूनिवर्सिटी आपके सामने रखते हैं. तो ये कोई भी प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट नहीं है हम लोग बिल्कुल रिसर्च वर्क के साथ आपके सामने इसको लाए हैं. तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम हमें ज़रूर लिख के बताइएगा हमारे दिए हुए नीचे दिए हुए नंबर्स पे और हमारी ईमेल आईडी पे. जी हाँ अभी करियर काउच का वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है जो कि है www.careercouch.in और आप हमें हमारे करियर काउच की ईमेल आईडी जो कि info@careercouch.in पे ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको किस तरीके का हमसे सलाह चाहिए. तो हमें आशा होगी हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम एक एपिसोड ज़रूर आपके सामने पेश करें. तो बिल्कुल तो शिमुल आज के लिए इतना ही. तो दोस्तों
इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा करियर काउच विद शुभांकर एवरी संडे एट नाइट 9 PM ओनली ऑन प्राइम टीवी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।